नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे अजीबोगरीब मकड़ियों के बारे में, जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा, लेकिन फिर भी ये हमारी दुनिया में मौजूद है। ये सभी इतनी अजीबोगरीब है कि इन पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि घर बनाने वाली मकड़ियाँ या फिर करतब दिखाने वाली मकड़ियाँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन शायद ही आपको कहीं और मिले। स्लीकेंज स्पाइडर, ये दुनिया की सबसे बुद्धिमान मकड़ियों में से एक है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली ये मकड़ी बच्चे देने से पहले अपने बच्चों को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक जाल बना देती है, ताकि कोई उनके बच्चों तक पहुंच ना सके। ये ऐसे ही कई सारे घर बनाती है और हर घर में सिर्फ एक ही अंडा देती है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का ये तरीका शायद ही किसी और जानवर को आता हो। फ्लिक फ्लैक स्पाइडर, हाल ही में कुछ दिनों पहले केब्रिनस नाम की एक मकड़ी की खोज की गई। ये हवा में कलाबाजी करते हुए अपने शिकारी से बच निकलने के लिए माहिर है। कई बार तो ये अपने शरीर की सारी ऊर्जा कलाबाजी करने में लगा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मिरर स्पाइडर, ये मकड़ी ऑस्ट्रेलिया में पाई गई, जिसके शरीर पर छोटे छोटे कांच लगे हुए मिले। इसके शरीर पर लगे हुए कांच से ये अपने शिकारी को आसानी से धोखा दे देती है, क्योंकि शिकारी इसे आसानी से नहीं देख पाता। ये इन कांच की वजह से अपने शरीर का कलर भी बदल सकती है। इसका एक डंक किसी भी जीवित प्राणी को एक मिनट में मार सकता है। शिकारी इस मकड़ी का जहर शिकार को मारने के लिए यूज में लेते हैं। गोलियत बर्ड ईटर स्पाइडर, ये दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है, जो नॉर्थन साउथ अमेरिका के बारिश वाले इलाके में पाई जाती है। इसे पक्षियों को खाने वाली मकड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसकी साइज बड़ी होने के कारण ये मेंढक, कीड़े, छिपकली, चूहे और सांप को भी आसानी से खा लेती है। इसकी खास बात इसके बाल है, जो काफी लंबे होने के कारण इसे छुपा देते हैं, और जब कोई जानवर इसके पास से गुजरता है तो ये उसे अपना शिकार बना लेती है। पिकॉक स्पाइडर, ये स्पाइडर अमेजोन के जंगलों में पाई जाती है, जो अपने डांसिंग स्टाइल की वजह से काफी फेमस है। ये मकड़ी मेल स्पाइडर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए डांस करती है। इन सभी मकड़ियों का कलर अलग अलग होता है। ये काफी जहरीली लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती, क्योंकि इसके जबड़े काफी छोटे होते हैं, जो इंसानों की त्वचा को नहीं चबा सकते। ट्रैपडोर स्पाइडर, ये मकड़ियों के परिवार की सबसे लंबी जिंदा मकड़ियों में से एक है, जो जमीन के अंदर अपना घर बनाकर रहती है। ये 35 सालों तक जीवित रहती है और शायद ही कभी अपने बिल से बाहर आती हो। कभी कभार ये अपना बिल नदी के पास बनाती है, ताकि ये मछलियों का शिकार कर सके। ये शिकार के नजदीक होने का पता वाइब्रेशन से लगा लेता है, और जब कोई शिकार इसके नजदीक आता है तो ये उसे बिल से बाहर कूदकर पकड़ लेता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आऊं, तो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।